सबसे बड़े नायक थे महात्मा गांधी। उन्होंने आजादी के साथ ही ये घोषणा की थी कि भारत की आजादी का असल मकसद तब पूरा होगा जब भारत के 7 लाख गांवों का ग्राम गणतंत्र बनेगा और सारे सूत्र संचालन गांव के हाथ में आएंगे। ये काम तो पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी यह भी मानते थे कि हमको एक ऐसी शासन व्यवस्था बनानी है जिस शासन व्यवस्था में गांव मजबूत होगा, सरकार उससे कम मजबूत होगी, उससे कमजोर होगी। यानी ऐसी सरकार जिससे हमेशा हमारा समाज मजबूत होगा, ये कल्पना महात्मा गांधी की थी। ग्राम गणराज्य की दिशा में कोशिश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न हुए। आचार्य विनोबा भावे ने बड़ा आंदोलन चलाया जिस आंदोलन ने समूची दक्षिण एशिया के जनजीवन को प्रभावित किया और जो लैंड हंगर का सवाल उन्होंने उपस्थित किया उसने करुणा से समाज बदलने के लिए एक वातावरण बनाया। फिर इसके बाद डॉक्टर लोहिया इस देश के एक बड़े समाजवादी चिंतक और नेता थे, उन्होंने चौखम्मा राज की बात करी। फिर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के लिए जनता सरकार बनाने की बात की, लेकिन वो काम आज जहां है वो फलदायक नहीं बना ऐसा सब लोग महसूस करते हैं। इस काम को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें आप सबका सहयोग और यहाँ जो आज बड़े पुलिस पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं उसको एक ग्रेटर प्रोस्पेक्ट देने के लिए, एक व्यापक आयाम प्रदान करने के लिए बहुत मददगार होंगे। आज इस आंदोलन के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं।